बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। उर्दू के पीरियड में सबक नंबर एक हम के मुश्किल अल्फाज को आज हम अंडरलाइन करेंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ अंडरलाइन करते जाइए। किस तरह करें हम तेरी कुदरत बयां, कुदरत को अंडरलाइन कीजिए। तेरी हमदो सना है जबां दर जबां, जबां दर जबां को अंडरलाइन करें। हर तरफ तेरी जलवा गरी जो फिशा, जलवा गिरी अंडरलाइन कीजिए और जो फिशा को भी अंडरलाइन करें। जर्रे जर्रे से है तेरी हिकमत आया, हिकमत और आया दोनों को अंडरलाइन करें। वो हो छोटे बड़े या हो पीरो जमा, पीरो जमा को अंडरलाइन करें। अपने बंदों पे रहता है तू मेहरबान, ये तो सारे आसान लफ्ज है ना, ये छोड़ देते हैं। ये परिंदों के उड़ते हुए कारवां, कारवां को अंडरलाइन करें। तेरी अजमत, अजमत को कीजिए। कहें खूबसूरत निशान, दिन को सूरज से देता है तू रोशनी, रात में चांद तारों का दिलकश समा, दिलकश को भी कीजिए और समा को भी कीजिए। हर जगह तेरी रहमत के आसार हैं, आसार को कीजिए। ऐ खुदा तेरी बख्शिश, बख्शिश को कीजिए, हद है कहाँ। और जो शायर का नाम है जियाउर रहमान जिया, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये सारे लफ्ज जो अभी हमने अंडरलाइन किए हैं इनकी आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और फिर इनका इमला का टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।